हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस और जो भी टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं उन सब का स्टडी किया था। अब हमें पढ़ना है रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, किस कौन कौन से रूल्स हम लोग यूज़ करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, उन सभी को हम लोग स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो हेडिंग है हमारी रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो इसमें हमें चार रूल्स मेनली स्टडी करने हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं इमेज के फॉर्मेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर वन, तो इसको डायग्राम से समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रूल नंबर वन हमारा बोलता है कि अगर हम लाइट को क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं अगर कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो हम इस तरीके से लाइट रे को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस इज इंसिडेंट लाइट रे और कभी भी अगर लाइट रे पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो लाइट पैरेलल आ रही थी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के, जो पैरेलल लाइट रे आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद, वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। तो दिस इज रूल नंबर वन। हम लिख सकते हैं ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो दिस इज रूल नंबर वन कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। इस टाइप का डायग्राम हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस में भी स्टडी किया था कि कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है उन सभी को वो क्या करता है, प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज करा देता है। तो वहीं से ये रूल आता है कि अगर लाइट रे पैरेलल आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाएगी, या हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी। अब रूल नंबर टू, इसके लिए फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब दूसरी कंडीशन हमारी है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, लाइट को पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है
दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर कभी भी लाइट रे इस पॉइंट को हमने नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर कभी भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो एरे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर देन इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, वो उसी पाथ में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये लाइट रे जो होती है वो जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है या इट स्ट्राइक्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, जिसकी वजह से वो क्या करता है सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये रूल नंबर 2 है, इसको डिफाइन कर सकते हैं ए रे ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो ये हमारा रूल नंबर 2 है, यही हमारी इंसिडेंट रे होगी और यही हमारी क्या बन जाती है रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही क्या होती हैं सेम लाइन में रहती हैं, जिस पाथ को इंसिडेंट लाइट रे फॉलो करती है उसी पाथ को रिफ्लेक्टेड लाइट रे फॉलो करती है। और ये हमारा रूल नंबर 2 है कि कभी भी अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगी तो वो सेम पाथ में रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरीके से अब हम लोग थर्ड रूल स्टडी करेंगे। थर्ड रूल जो हमारा है वो फर्स्ट वाले रूल का रिवर्स है। तो रूल नंबर 3, इसको भी डायग्राम से समझते हैं। दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे फ्रॉम द पोल फोकस सॉरी हाँ हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। और कभी भी अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि ए रे ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो रूल था उसका रिवर्स है। फर्स्ट वाले रूल में लाइट रे पैरेलल आती थी तो प्रिंसिपल फोकस से पास होती थी, और अगर अब लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो इसको भी डिफाइन करते हैं, ए रे ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर
becomes parallel to the principal axis after reflection from the मिरर। तो ये हमारा रूल नंबर 3 है कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, इसके बाद आता है हमारा लास्ट रूल, रूल नंबर 4। और इस वाले रूल में हम लोग क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं एट द पोल। तो रूल नंबर 4, अगर हमारी लाइट रे इंसिडेंट होगी ऑन द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर तब क्या होगा। सो दिस इज पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हम लोग लाइट रे को क्या करने वाले हैं, इंसिडेंट कराने वाले हैं ऑन द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। तो जब कभी भी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाती है, दैट इज ये वाला एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दिस इज रूल नंबर 4 कि ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट, उसको डिफाइन करते हैं, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट बैक मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कभी भी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होता है तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये हमारा 4th रूल था। और इन 4 रूल्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज स्टडी करेंगे कि हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है इसमें किस तरीके से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। हाँ, एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, ये 4 रूल्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन सब के बिना हम लोग इमेज का फॉर्मेशन या उसका डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों ने इससे पहले भी प्लेन मिरर में स्टडी किया था फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जिसमें हम लोगों ने 2 टाइप की इमेज बनाई थी, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए। और वहाँ पर हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए, एक किसी एक पॉइंट की इमेज को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट या मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है लाइट रेस की, वो 2 लाइट रेस की होती है। तो यहाँ पर भी अगर हम इमेज का फॉर्मेशन जब स्टडी करेंगे तो कोई भी 2 रूल्स हम एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं, वाट एवर रूल्स आर एप्लीकेबल देयर हम वो उनको अप्लाई करेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम को एक कोई निश्चित ये बता दिया जाता है कि हमें इन रूल्स का ही यूज़ करना। हाँ, 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स में से ही आप रूल्स का यूज़ करेंगे, लेकिन उन 4 में से कोई भी 2 रूल्स का यूज़ करेंगे तो आपका इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।